नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नेश कौशल, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माही भाई को कार चलाने सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माही से जानना चाहते हैं कि माही, इससे पहले आप कभी कार चलाए क्या? नहीं, हम कभी पहले नहीं चलाए। अच्छा, अभी आप कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी हम 10 में पढ़ रहे हैं। 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा सीख के? फिर भी एक शौक होता है ना सीखने का। ये शौक तो होता है, लेकिन आपको जरूर हम सिखा रहे चलाने के लिए, लेकिन जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक आप रोड पर नहीं चलाइएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब चलाना तो सीख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी रोड पे लेकर मत जाइएगा। तो चलिए माई जी, सबसे पहले आप गाड़ी पे बैठिए और मेरे को बताइए कि आपको गाड़ी के बारे में क्या क्या आता है, वो चीज़ सबसे पहले हम आपके थ्रू जानना चाहते हैं। अब आप बताइए कि आप गाड़ी के बारे में क्या जानते हैं, क्या अभी तक क्या क्या जानते हैं? गियर है। कौन सा गियर है? अच्छा, गियर लगाने जानते हैं क्या आप? नहीं, लगाने तो नहीं जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्लच है। कौन सा? ये क्लच है। ये ब्रेक है। ठीक है, और ये एक्सलेटर वगैरह क्या बोलते? देखिए, वो ब्रेक आप सही बताएं, लेकिन क्लच और एक्सलेटर वो दोनों आप गलत बताएं। ठीक है, याद रखिए, ये वाला एक्सलेटर होता है, इधर से देखिए, ये एक्सलेटर होता है, वो होता है ब्रेक, तीसरा क्या होता है? क्लच। याद रखने तरीका ABC, एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच, उल्टा ABC, ठीक है, सीधा नहीं। और क्या जानते हैं गाड़ी के बारे में आप? बस यही सब। ये स्टीयरिंग कहा जाता है। ठीक है, ये हॉर्न है। हाँ, उससे ज़्यादा तो कुछ जानते नहीं। और ये सब फंक्शन वगैरह कुछ? कुछ नहीं। गाड़ी कैसे स्टार्ट किया जाता है वो पता है क्या? हाँ। कैसे? हो गया? नहीं। हो गया? गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस, किस तरह से गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से गाड़ी को चलाना चाहिए, किस तरह से गियर डालना चाहिए, किस तरह से हैंड ब्रेक हटाना चाहिए, वो सारे एक इन्फॉर्मेशन आपको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो माई ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले नीचे में देखिए क्लच कौन सा पाँव से दबाना चाहिए। आप ड्राइवर को देखे होंगे कौन सा पाँव से दबाते हैं वो। हाँ, और ब्रेक और एक्सलेटर। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से जानकारी है। हमेशा सिर्फ आप क्लच का इस्तेमाल बायां पैर से ही कीजिएगा, ठीक है? और क्लच किस लिए दबाया जाता है? गियर लगाने के लिए। गियर लगाने के लिए, चलिए ये चीज़ तो आपको पता था। जब भी आप गियर को चेंज करना चाहिएगा, ठीक है, उसी वक्त आप तुरंत क्लच को दबा के गियर डालिएगा। आप बाइक चलाने जानते हैं? बाइक चलाने जानते हैं। चलिए, तो आपको आसान हो जाएगा गाड़ी चलाने में। तो आप क्या करना है, ब्रेक किस तरह दबाना है? ब्रेक दबा देना है। ब्रेक दबाने से क्या होता है? गाड़ी रुक जाता है। रुक जाता है, इतना पता है आपको। लेकिन आप सिर्फ ब्रेक दबाएंगे तो क्या होगा, आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। जैसे आप बाइक में देखते हो, जब गाड़ी के ब्रेक दबाते हैं उसका क्या करते हैं, धीरे धीरे क्लच को भी दबा देते हैं। जैसे धीरे हो जाएगा उस वक्त आप फिर से क्लच को दबा दीजिएगा, उससे क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगा। गाड़ी रुक जाएगा। तो इधर देखिए ना, उधर क्यों देख रहे हैं, कोई है क्या उधर? उधर बच्चे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान जितना फोकस कीजिएगा उतना जल्दी आप सीख पाइएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सलेटर। बाइक में क्या करते हैं, एक्सलेटर दबा के स्पीड बढ़ाते हैं। सेम प्रकार यहाँ भी स्पीड बढ़ेगा आपका, ठीक है, जितना आप रेस दबाइएगा उतना आपका गाड़ी स्पीड बढ़ेगा। तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं वो चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। तो उससे पहले आपको गियर डालना सीखना जरूरी पड़ेगा। तो आप कैसे कार पे गियर डालिएगा, सबसे पहले आज तो पहला क्लास है तो आपको हम ज़्यादा कुछ सिखाएंगे नहीं, हम आपको सिर्फ सिखाने वाले हैं कि फर्स्ट गियर कैसे डालते हैं। तो देखिए, आपका अभी गियर जो है न्यूट्रल है कि नहीं, वो चीज़ कैसे चेकआउट करते हैं। मान लीजिए कोई गियर में डाला हुआ, ठीक है, तो इसको आप लेफ्ट एंड राइट जब कीजिएगा तो आपका गियर का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, टाइट लग रहा है देखिए। लेकिन जैसे ये न्यूट्रल पे आ जाएगा ना, इधर भी जा रहा है लेफ्ट की ओर और राइट की ओर भी जा रहा है, देखिए छोड़ दे रहा है, ये वापस आ जा रहा है उसी जगह। इसे आपको समझ जाना है कि आपका गाड़ी का जो गियर है बिल्कुल अभी न्यूट्रल पे है। तो इसको कैसे डालेंगे, फर्स्ट गियर हम क्लच दबाएंगे, सबसे पहले क्लच डालिए, क्लच दबाएं। अब क्या करना है, पहला गियर डाल दिए, देखिए यहाँ पर डाला हुआ नहीं, सिस्टम दिया हुआ पहला गियर, पूरा आपको उस साइड की ओर ले जाना है, मतलब को पैसेंजर ड्राइवर की ओर, ठीक है, पूरा उस साइड लेफ्ट की ओर पुश कीजिए और आगे की ओर पुश करना है, ठीक है, धक्का मार देना है, इससे क्या होगा, फर्स्ट गियर आपका लग जाएगा। अब आपको न्यूट्रल करने वाले तो कैसे कीजिएगा, क्लच दबा के फिर से हल्का सा पुश कीजिएगा, हल्का सा अपने ओर बीच में खींचेगा, बीच में देखिए, बीच में खींच दिए, वापस ये इस जगह पर आ जाएगा, बीच में आ जाता, ठीक है, ये जगह यहाँ खींचे ना, यहाँ पर नहीं रहेगा वो बिल्कुल वापस आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो आज इतना ही सीखिए, तो आपको थोड़ा सा हम ये आज सिखाने वाले हैं कि कैसे गाड़ी को सिर्फ चलाया जाता है और कैसे गाड़ी को रोका जाता है। तो सबसे पहले आप क्लच को दबाइएगा, ठीक है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो क्या कीजिए, क्लच को दबाइएगा,
पहला गियर डालिए, ठीक है, ये हैंड ब्रेक है, ठीक है, हैंड ब्रेक को डाउन करना है, तो इसको दबाइए बटन को, ऊपर करके दबाइए, हाँ नीचे कीजिए, बिल्कुल हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक से क्या होता है, चारों चक्का आपका गाड़ी का लॉक हो गया, इससे आपका गाड़ी हल्का से भी इधर उधर मूवमेंट नहीं होगा। जब डाल दीजिएगा तो आपको, जब फर्स्ट दिन कार चला रहे हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब रेस भी नहीं दबाना है, मतलब रेस वेस ज़्यादा दबाना नहीं है, ब्रेक भी दबा के नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। क्लच को किस तरह छोड़ना है, बिल्कुल आप काउंटिंग कीजिएगा। आप मेरा वीडियो देखें, आपको वीडियो देखें ना, तो उस वीडियो में मैंने किस तरह बताया था, बिल्कुल काउंटिंग करना, 1 2 3 4 12 तक काउंटिंग करें, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, और एड़ी जो है आपका नीचे दबा होना चाहिए, ठीक है, हो पाएगा आपसे, ट्राई कीजिएगा, चलिए एक बार कीजिए तो ट्राई। स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे कीजिए, पहले क्लच दबाइए, न्यूट्रल कीजिए, दो गियर लग गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, अब गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, चाबी को घुमाइए एक बार और छोड़ दीजिएगा, जैसे स्टार्ट हो जाएगा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया गाड़ी, पाँव को हल्का से पीछे रखिए, काफ़ी आगे रखे हैं आप, हाँ ठीक है, उतना ठीक है, ठीक है, अब जब आपको रोकने वाले थे क्या कीजिएगा, फिर से क्लच दबा दीजिएगा पूरा, और ब्रेक को धीरे धीरे दबा दीजिएगा, झटका से नहीं दबाना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दबाना है, ठीक है, इसे आपका गाड़ी जो है रुक जाएगा। अब बैठते हैं आपके हम उस साइड में, तो चलिए भाई जी एक बार गाड़ी को फिर से बंद कीजिए और मेरे सामने गाड़ी को स्टार्ट करके बताइए कि किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए। तो उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि आप जब भी कार चलाना सीख रहे हैं या कहीं चलाइएगा, उससे पहले आपको सीट बेल्ट बांधना जरूरी है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांधने आता है ना, वो तो देखे होंगे, नहीं आता, सीधा खींचे उसको अपने ओर लाइए, और खींचे और खींचे और खींचे, यहाँ पे लाइए, इसको खोलना कैसे, अब दबा देने से हाँ वो खुल जाएगा, डालना नहीं जानते बट खोलना जानते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लग गया, चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, क्लच दबाएं, स्टार्ट कीजिए, क्लच दबा के स्टार्ट कीजिए, बस बंद कीजिए, सॉरी छोड़ दीजिए चाबी को, आप जिस तरह आपको बताए थे उसी तरह आपको करना है, ठीक है, चलिए काउंटिंग कीजिए, तो आप धीरे धीरे की तो बिल्कुल हैंड ब्रेक डाउन है ना, डाउन है, चलिए काउंटिंग कीजिए आप, सॉरी पहले गियर डालिए, से कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, फर्स्ट गियर, हाँ चलिए अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना आपको, क्लच को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे, 1 2 हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा पहले पूरा दबाइए, तो हम जिस तरह काउंट करेंगे उस तरह से आपको हल्का हल्का छोड़ना है, इतना देखिए इधर देखिए, इतना हल्का हल्का छोड़ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे की ओर देखिए, देखिए आपका गाड़ी बढ़ रहा है, अब वेरी गुड, बहुत अच्छा, धीरे धीरे कट कीजिए स्टीयरिंग को, ये हाथ वापस फिर से वहाँ पर तुरंत ले जाइए, राइट साइड वाला हाथ वहाँ पर ले जाइए, वापस ले जाइए, सॉरी ये जो कटिंग है ना इसको पकड़ के फिर यहाँ पे ले आइए, ठीक है, चलिए सीधा थोड़ा लाइए, सीधा ले जाइए गाड़ी को, वेरी गुड, पूरा क्लच को छोड़िए, हल्का हल्का रेस लीजिए, तो हल्का हल्का बस बस उतना नहीं, कटिंग कीजिए अदरवाइज आगे पोल है, राइट की ओर लीजिए कटिंग, वेरी गुड, जब आपको डर लगे तो क्या करना है, रेस को छोड़ देना सबसे पहले, ठीक है, और आपको गाड़ी को किस तरह रोकना है, क्लच दबा के ब्रेक दबा देना, अब आपको गाड़ी को रोकने बोलेंगे, पहले थोड़ा सा चलने दीजिए, अभी आपको हम गाड़ी को रोकने बोलेंगे, ठीक है, कैसे रोकिएगा, पूरा क्लच दबाइए, ब्रेक दबाइए धीरे धीरे, देखिए झटका से गाड़ी रुक गया, रेस भी दबा दिया आप, आपका ब्रेक और रेस दोनों एक साथ दब गया है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए गलती, ठीक है, बिल्कुल आप आराम से, मतलब बीच पे पाँव रखिएगा ना तो आराम से वो दबेगा, जैसे बीच पे पाँव रखिएगा, कैसे दबा था ये, कैसे किया था, ऐसे सट गया, हाँ वैसे नहीं सटाना, बीच बिल्कुल बीच में रखना, ठीक है, वो गलती नहीं करना, ठीक है, चलिए फिर से आप ब्रेक, सबसे पहले ब्रेक से पाँव हटाइए, हटा दिए ना, सी आपको क्लच का वहाँ पर पाँव रखना है, आप फिर से धीरे धीरे क्लच को छोड़िए एकदम आहिस्ता आहिस्ता, इधर इधर टर्निंग लीजिए राइट साइड, चलिए क्लच ज़्यादा स्पीड छोड़ दिया आप, उतना स्पीड नहीं छोड़ना है, बिल्कुल काउंटिंग करके छोड़ना है, कुछ बोल नहीं रहे आप, डर लग रहा है क्या आपको, डर नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत तब कुछ बोलिए ना, डर नहीं लगेगा ना, हमसे बात कीजिए, बोलिए कुछ,
बस फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाया, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है हमको अभी। अच्छा, हमको सीखने का शौक था। अच्छा, आपको क्या लगता है आप गाड़ी चलाने सीख जाइएगा? हाँ सीख तो जाएंगे। इतना आसान है? आसान तो नहीं है, फिर भी कर सकते हैं ना। वो तो कर सकते हैं जरूर आप। देखिए पोल है, पोल से बचा के, ठीक है, पूरा फील्ड आपके लिए है, पोल के पास चलाना अब जरूरी नहीं है। रेस कम रेस कम, फर्स्ट दिन जब चलाइएगा तो रेस्ट आपको बिल्कुल कम रखना है। एक बार हम उतरिए, चला लीजिएगा, फिर से रोक के दिखाते हैं। हाँ रोकिए, देखिए क्या करना है सर, बिल्कुल वहाँ पे आपको जाना है, साइड धीरे धीरे घुमा के गाड़ी को वापस लाना है उस जगह पे, वहाँ पे ले आना, ठीक है। हम यहाँ पे उतर जाते हैं, ये बताइए। हाँ कुछ नहीं चेंज करना, गियर वियर चेंज नहीं करना है, एक ही गियर में चलाना है अभी, और गाड़ी को रोकना है जहाँ भी आपको डर लग जाएगा। क्या करना है, फटाक से क्लच दबा के ब्रेक हल्का, बस उसके बाद तो मेरे लिए टेंशन नहीं रहेगा। और सिर्फ कहीं गाड़ी को घुसा मत देना गड्ढा वड्ढा में, साइड में नहीं ले जाना, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, वन, रुकिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। क्या होता है ना दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि दोस्तों कि मैं हमेशा न्यू ड्राइवर के साथ हल्का सा चलाने देते हैं, उसके बाद हम उतर जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों कि देखिए वो न्यू ड्राइवर है बिल्कुल अभी, ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम रोड वगैरह में दे दिए हैं, ये फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्पीड वो चला पाएगा ही नहीं, फर्स्ट गियर पर जितना स्पीड चलेगा उतना ही चला पाएगा। इससे क्या होगा, हम अभी उतर गए गाड़ी, वो बिल्कुल अभी गाड़ी में क्या है, अकेले है, अकेला होने के कारण क्या होता है उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। हम बैठे हुए रहते हैं तो उसको अंदर ये थोड़ा सा डर रहता होगा, लेकिन हम गाड़ी से उतर गए तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इससे क्या होगा उसको अब डर खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम अक्सर हम गाड़ी से उतर जाया करते हैं थोड़ा बहुत, इससे क्या होगा थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो अच्छी तरह से चला पा रहा गाड़ी, आप गाड़ी को उसको रोकने बोलते हैं। तो माही जी गाड़ी को रोक दीजिए, सबसे पहले गाड़ी को रोकिए, वेरी गुड, देखिए कितना कॉन्फिडेंस ये लड़का रोक पाया। गाड़ी को बंद कीजिए, आप बाहर आ जाइए। तो चलिए माही जी आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा था गाड़ी चलाते वक्त? अच्छा, हम जब बैठे हुए थे तो आपको डर लग रहा था क्या? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हम जब उतर गए थे आपको डर लग रहा था क्या? उस टाइम डर नहीं लग रहा, क्यों? बस आप बैठे हुए थे तो डर लग रहा था कि आप कुछ बोलेंगे क्या। चलिए यही बता रहा था, यही आप चीज़ आप दोस्तों को अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे, अक्सर ये होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ड्राइवर को सिखाया, बहुत सारे ड्राइवर को मैंने ये मैंने सुना है उसके साथ कि भाई जब आप बैठते हो ना, कोई भी बैठता है साथ में, तो उसके थोड़ा सा लगता है यार मेरे बगल वाला क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, ये थोड़ा सा उसका फीलिंग आ जाता है। लेकिन जैसे बंदा अकेले चलाता है गाड़ी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आया तो क्या करना भाई जी, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।